आज आप इंग्लिश में विस्तार के एक चैप्टर नंबर 4 पहले था नेवी, ये लास्ट आपका हाफ वे हो जाएगा। आज से 6 पैराग्राफ होंगे, 6 8 वाक्य की बीच आप इंग्लिश में लिखते हैं। इसमें आपके दो करेक्टर अभी आएंगे, एक तो साइडो जो कि एक जापानी डॉक्टर है, उसकी पत्नी हना, और जो तीसरा करेक्टर है वो एक अमेरिकन सोल्जर का है। इसका है अमेरिकन सोल्जर का, तीन करेक्टर होंगे। ये स्टोरी लिखी है पर एस वर्क के द्वारा, पर एस वर्क के द्वारा ये लिखित है। ये स्टोरी एक ऐसे सिपाही की है, एक ऐसे अमेरिकन सिपाही की है जो कि एक युद्ध के दौरान समुद्र में फंसता है, और समुद्र का पानी उसे एक किनारे आकर के पटक देता है, और एक जापानी डॉक्टर साइडो जब उस सैनिक को देखता है तो वो क्या करेगा, क्या जब वो अमेरिका का है, अमेरिका और जापान में युद्ध है, तो क्या वो साइडो उससे सोल्जर को बचाएगा, ये हम कहानी में जानेंगे। पैराग्राफ नंबर 1, डॉक्टर साइडो से और जापान। डॉक्टर साइडो हाउस सिचुएटेड नियर ए बिग स्पॉट ऑफ सी साइड रिवर, जस्ट अकॉर्डिंग टू साइडो से अबाउट दिस प्लेस दैट व्हेन साइडो इन हिज चाइल्डहुड ही प्लेड टू ऑन दिस प्लेस एंड मोर ऑफ ट्रीज पाइन ट्रीज आल्सो ऑफ दिस आइलैंड सेपरेट एंड साइडो इन हिज चाइल्डहुड क्लाइम टू दिस पाइन ट्रीज एंड Saido remembers that his father said to about Iceland to Saido that the new stair, those Iceland younger, they are the stepping stone to the future for Japan. Dr. Saido Hoki का मकान जापानी बंदरगाह के उस स्थान पर था जहाँ छोटे लड़की की अवस्था में Saido खेला करता था। तो यानी जब साइडो का मकान कहाँ है, जापानी बंदरगाह के पास जहाँ वो खेला करता था पहले, कैसे समुद्र तट से काफ़ी ऊंचाई पर जो चट्टान के ऊपर था उसके किनारे पर देवदार के वृक्ष लगे थे जिन पर साइडो चढ़ा करता था। समुद्र के जैसे कि नारियल के पेड़ों पर चढ़ा जाता है, ऐसे देवदार के पेड़ों पर साइडो चढ़ा करता था। उसके पिता इन द्वीपों के बारे में साइडो से कहा करते थे, या साइडो के पिता इन द्वीपों के बारे में कहा करते थे कि ये भविष्य की सीढ़ियाँ हैं, ये जो द्वीप हैं ये भविष्य की सीढ़ियाँ हैं, ये जापानी द्वीप ये भविष्य की सीढ़ियाँ हैं। अब पैराग्राफ सेकेंड पर हैं। साइडो हैड टेकन हिज इनटू हिज माइंड एंड डिड एवरीथिंग्स एज हिज फादर रिमाइंडेड हिम। Saido noticed all the same things as his father told him, but this Iceland, about the Iceland of Japan, they noticed whether Saido's father sent to Saido to America place. Saido's father want to about the son that become a big medicine or scientist. So Saido got higher education from America. Saido के पिता Saido को लेकर के Saido अपने पिता के हर एक बात नोट करता था, पिता को बोलते थे करता था, और Saido अपने पिता का इकलौता बेटा था, इसलिए Saido पिता चाहते थे कि वो कुछ अच्छा करे शिक्षा के क्षेत्र में। इसलिए जब वो 22 साल का था Saido उसको अमेरिका भेज दिया गया, उसके पापा ने उसे अमेरिका भेज दिया। अमेरिका में उसने यदि
दोनों प्रकार की जड़ी बूटी, चाहे वो जड़ी बूटी की दवाओं का के बारे में हो या देसी दवाओं के बारे में जानकारी चाहती सीखा उसने। और आपको अब चाहे एक ऐसी दवा के बारे में सर्च कर रहा था, सर्चर था कि कैसे गांव को, किसी सैनिक के गांव को कैसे बहुत साफ तरह से साफ किया जा सकता है, इस पर वो काम कर रहा था। या कैसे बीमार सेनापति का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया जा सकता है, जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, इसका ऑपरेशन करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि स्थिति उसकी ऐसी नहीं है, तो वो इसी चीज़ का वो खोज कर रहा था। अब पैराग्राफ नंबर 3 पर क्लाउस क्लाउस फॉर राइजिंग ग्राउंड ऑसियन प्लेस द अनएक्सपेक्टेड वार्म ऑफ द फास्ट फ्यू डेज एज ए नाइट ड्रॉन वेरी फॉग फ्रॉम द कोल्ड लिप्स। समुद्र से ऊपर, समुद्र के समुद्र से बादल उठकर आ रहे थे, पिछले कुछ दिनों से गर्मी ज़्यादा हो रही थी, उमस ज़्यादा हो रही थी, तो जो समुद्र का पानी था वो भाप रूप में बदल रहा था, वो रच आ रहा था, धुंध की तरह का आकार था, क्योंकि कुछ सरद शीत ऋतु भी आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोयला धुंध, जहाँ वो साइडो का घर था, डॉक्टर साइडो का घर था, वहाँ तक घुस जाएगा या छा जाएगा। साइडो की पत्नी जिसका नाम आना है और उसके दो बेटे थे, सैडो की पत्नी है ना और उसके दो बेटे, उस धुंध को घर के अंदर आने का इंतजार करते हैं। देखिए आप पैराग्राफ नंबर 4 पे बट से लेकर ऑल पास कर, बट ऑल दिस मोमेंट द डोर ओपन एंड सी लुक जस्ट ऑल फॉर द विंटर इन टू सैडो हाउस। So, Sido used to close the window for the empty window and doors and if all possible, इसी क्षण दरवाजा खुला और जब धुंध बढ़ रही थी तो दरवाजा खुला, Sido ने खोला कि उसकी पत्नी आना आ रही है, उसने दरवाजा खोल के देखा और उस समय सैडो नीले रंग की हावरी पहने था और हाना उसके पास खड़ी थी। और जैसे ही सैडो ने अपना हाथ हाना के बाजू में, हाना के शरीर में या उसके हाथ में लगा टच किया तो उसे एक अलग सा एहसास हुआ, किंतु उसकी शादी को काफ़ी समय बीत गया था क्योंकि दो बच्चे थे, फिर भी उसे अलग सा एहसास हुआ। और तब साइडो ने ये स्वीकार किया कि हना से जो उसकी शादी हुई वो उसके पिता के द्वारा करवाई गई, क्योंकि हना के पिता और साइडो के पिता ने दोनों की शादी करवाई थी, क्योंकि डॉक्टर साइडो मानते थे कि उनके पिता किसी गैर व्यापारी लड़की के साथ शादी ना करने देते, इसीलिए स्वयं से मुझे जब मैं अमेरिका में पढ़ रहा था तो उस समय मैं अमेरिका में एक प्रोफेसर से आ रहता था, उसके प्रोफेसर की जो पत्नी थी बहुत पाबंदी थी, बहुत बोलती थी, उसके घर में खाना भी अच्छा नहीं बनता था, लेकिन वहीं पर मेरी मुलाकात खाना से हुई और मेरा खाना से प्रेम हो गया, मैं खाना से प्रेम करने लगा। लेकिन मेरी शादी तब नहीं हुई, जब तक मैं पूरा सिक्योर ना हो गया कि ये जापानी लड़की ही है। अब पैराग्राफ नंबर 5 में है, नाउ ही लेट हेट हर हैंड ऑन द आर्म एंड वर अपीयर प्रेशर इन गेम हिम अगेंस्ट हिज आर्म। अब उसने अपने बाजू उसके हाथ पर रख दिए और आनंद का अनुभव किया और क्योंकि उनकी दोनों की शादियों को एक समय बीता था, दो बच्चे थे, एक फिट फोर फिट पैराग्राफ एक साथ हुआ है, अब आपका 6 पैराग्राफ फिर वाले का लिस्ट बोथ ऑफ देम सा समथिंग ब्लैक कम आउट
when the crop now coming in its home side in all the direction, country to falling crop in the season and the situation just like a very crop time, no man introduced weather. So suddenly Hana and Shairo realized that a figure come out of the crowd. So identified and Hana now want to say that some of the man now which one in between the crowd. Jab Hana and Shairo ek dusre ke saath the और सैलो अपने आंखों से उसके कार उसके बाजू में टच कर रहा था, हाथ लगा रहा था, तभी उन्होंने क्या देखा कि धुंध से कोई आकृति को बाहर आते देखा। ऐसा लगा जैसे कि उस धुंध में से जब कोहरा पड़ रहा था, धुंध पड़ रही थी, तो उस धुंध में से कोई आकृति बाहर आ रही थी निकलते हुए उन्हें प्रतीत हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई लड़खड़ाता हुआ चला आ रहा है। कुछ समय के बाद धुंध में जब थोड़ा साफ हुआ तो उसका सिर दिखा, आकृति का जो बाहर आ रहा था उसका सिर दिखा और पुनः फिर धुंध बढ़ने लगी। हमने यहाँ तक सुना, आगे हम तक नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे सेविंग पैराग्राफ से। आई होप दैट यू मैनेज ऑल सिक्स हार्ड वर्क यू रोट यू राइट द थिंग्स इन इंग्लिश नॉट हिंदी एंड आल्सो यू रिवाइज दिस सिक्स